चाहे दिवाली हो या बर्थडेज हो, गिफ्ट मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। बट पता है हमें गिफ्ट मिलने पे हमसे ज़्यादा खुश कौन होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि उसे तो बैठे बिठाए टैक्स मिल रहा है। ये गिफ्ट्स पे टैक्स लगाने का लॉ लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू इन 1958, जब एक महीने के लिए वो अलॉन्ग विद बीइंग द प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे। 1958 में ऐसा क्या हो रहा था कि गिफ्ट्स के ऊपर टैक्स लगाना पड़ गया? 1950s में एस्टेट ड्यूटी लगती थी, जो इनहेरिटेंस टैक्स होता था। तो मान लो कोई पर्सन है एंड इसके पास काफ़ी एसेट्स हैं, लाइक लैंड, गोल्ड, शेयर्स। इसकी डेथ होने पे ये एसेट्स इसके लीगल हायर्स इनहेरिट करते थे, तो इन लीगल हायर्स को टैक्स देना पड़ता था इस इनहेरिटेंस पे, रेंजिंग फ्रॉम 10-40% डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसेट। इस एस्टेट ड्यूटी से बचने के लिए व्हाट पीपल स्टार्टेड डूइंग वाज कि ड्यूरिंग देयर लास्ट डेज वो ये एसेट्स लीगल हायर्स को ट्रांसफर करते थे इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। ये शो किया जाता था कि ये गिफ्ट है टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड इनहेरिटेंस नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स जो कि एस्टेट ड्यूटी थी तो वो बच जाती थी, एंड दूसरी तरफ गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं होता था। ये आज के लॉ के कंपैरिजन में तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, बिकॉज आज इनहेरिटेंस वैसे ही माफ है, वो एग्जेम्प्ट है, तो उस पर वैसे कोई टैक्स नहीं लगता। बट ये ध्यान रखो कि हम लोग बात कर रहे हैं 1950s की, जब ये प्रोविजंस नहीं हुआ करते थे। और दूसरी गड़बड़ जो लोग करते थे वो ये थी कि मान लो मिस्टर ए ने बी को प्रॉपर्टी बेचनी है बट उस पर टैक्स नहीं देना चाहता, तो लोग क्या करते थे, वो ऑन पेपर तो ये शो करते थे कि वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं सामने वाले को, और असली में उनसे कैश ले लेते थे, और ये कैश होता था ब्लैक मनी। बैक इन 1950s ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी थी टैक्स अवॉइड करने की। सो फाइनली इन 1958 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड द गिफ्ट टैक्स एक्ट। एक सेपरेट एक्ट बनाया गया गिफ्ट्स को टैक्स करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये गिफ्ट टैक्स लग रहा था गिफ्ट देने वाले के ऊपर, लेने वाले के ऊपर नहीं, जो बंदा गिफ्ट दे रहा है उसको टैक्स देना पड़ता था। जो गिफ्ट देता है वो डोनर होता है एंड मिलने वाला डोनी, तो ये डोनर बेस्ड टैक्स था टू डिस्करेज द डोनर फ्रॉम गिविंग गिफ्ट्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसका ही फायदा हो रहा था, टैक्स तो उसी का बच रहा था। डोनर को फ्लैट 30% टैक्स देना होता था ऑन द वैल्यू ऑफ गिफ्ट। तो 1958 से ये कहानी स्टार्ट हुई, एंड अब 1985 में एस्टेट ड्यूटी को अबॉलिश कर दिया गया, तो इनहेरिटेंस पे अब कोई टैक्स नहीं लग रहा था। अब एक चीज ध्यान से सुनना, गिफ्ट टैक्स लाने का जो मेन पर्पस था वो था कि जो लोग एस्टेट ड्यूटी से बच रहे थे, जो वो तरीके निकालते थे, उनके ऊपर रोक लगाना। अब सीधी सी बात है, अगर एस्टेट ड्यूटी अबॉलिश हो जाती है तो गिफ्ट टैक्स को भी अबॉलिश हो जाना चाहिए, बिकॉज फिर उसका क्या पर्पस है। बट ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा क्यों? रेवेन्यू। गवर्नमेंट के लिए गिफ्ट टैक्स एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन चुका था, सो वाई वुड इट वॉन्ट टू स्टॉप दैट। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत थी विद गिफ्ट टैक्स एक्ट वो ये थी कि डोनर अगर डोनेशन पर्पस से भी किसी को गिफ्ट या मनी ट्रांसफर करता था, उसको भी गिफ्ट मान के उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ता था। तो जो जेन्युइन डोनेशंस थी, जेन्युइन डोनर्स थे, उनके ऊपर भी अननेसेसरी बर्डन आ गया था, एंड इसके वजह से लोग डिस्करेज हो गए थे डोनेट करने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस इन 1998 गिफ्ट टैक्स एक्ट को अबॉलिश किया गया बाय फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम। 1998 में गिफ्ट टैक्स एक्ट अबॉलिश होने के बाद सडनली एक ह्यूज स्पाइक आया टैक्स एविजन्स में, एंड लोगों ने वापस से वही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी कि वो ऑन पेपर तो गिफ्ट दिखाते थे बट बदले में ब्लैक मनी ले लेते थे, एंड अचानक से सब एक दूसरे को गिफ्ट देने लग गए। कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, कोई गोल्ड गिफ्ट कर रहा है, कोई शेयर्स दे रहा है, और ये गिफ्ट सिर्फ पेपर पे है, असली में सारी डीलिंग कैश में हो रही है। एंड इसीलिए इन 2004 चिदम्बरम अगेन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ऑन गिफ्ट। बट इस बार दो खास चेंजेस किए गए। पहला, गिफ्ट टैक्स करने के लिए कोई नया एक्ट नहीं बनाया था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में ही प्रोविजन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। एंड सेकंड, दिस टाइम बर्डन ऑफ टैक्स वाज ऑन द डोनी, यानी जिसे गिफ्ट मिला है। पहले डोनर बेस्ड था और अब डोनी बेस्ड कर दिया। जब 2004 में इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया था तब लिमिट थी 25,000 कि अगर आपको पूरे साल में 25,000 रुपीज से ज़्यादा के गिफ्ट्स मिलते हैं तो फिर पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। बट लेटर इन 2006 इस लिमिट को बढ़ा के कर दिया था 50,000, विच इज स्टिल एप्लीकेबल टुडे। तो गिफ्ट्स मिलना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मिलने वाले को भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी। बाकी मैं आपको मिलता रहूँगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।